तीन दिनों में ना तीन कंट्री से हम पास होकर चौथी कंट्री में एंटर करेंगे। सो इसलिए काफ़ी लंबी जर्नी होने वाली है हमारी। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये तंजानिया का जो है लैंड बॉर्डर है यहाँ पे, बुरुंडी और तंजानिया का। सो बुरुंडी का एग्जिट लग गया यहाँ पे और तंजानिया की एंट्री हो गई है। स्वागत है आपका गाइज एक और नए वीडियो में। मैं हूँ अभी दुनिया की सबसे गरीब कंट्री बुरुंडी में, और जो यहाँ की कैपिटल्स है, मेन सिटी है, बुजुम्बरा के अंदर हूँ मैं। और आज जो है मेरा लास्ट डे है यहाँ पे, क्योंकि आज मैं यहाँ से निकल रहा हूँ इथोपिया के लिए। सो इथोपिया में जा रहा हूँ यहाँ से बाय लाइट, क्योंकि यहाँ से जो इथोपिया की यार फ़्लाइट थी बहुत ज़्यादा महंगी थी, लगभग 65,000 की फ़्लाइट थी। तो फिर मैंने वीज़ा वगैरह, क्योंकि वीज़ा वगैरह मेरे पास ऑलरेडी है इथोपिया का, तो मैं जाऊँगा बाई लैंड वीज़ा ऑन अराइवल लेके एक दो कंट्री का। सो इस जर्नी में हम करेंगे तीन कंट्री हम क्रॉस करेंगे। अभी मैं बुरुंडी के अंदर हूँ, यहाँ से मैं तंजानिया जाऊँगा, तंजानिया से केन्या जाऊँगा, केन्या के बाद मैं इथोपिया में एंटर करूँगा। ये जो जर्नी होने वाली है यार काफ़ी लंबी होने वाली है मेरी, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, बट ट्रेवल करना है तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और मैं अभी जस्ट यहाँ से अपने होटल से निकल चुका हूँ, कोई टैक्सी वगैरह मैं देखता हूँ और टैक्सी पकड़ के फिर मैं निकलता हूँ यहाँ का जो बस स्टैंड है। सो भाई टैक्सी हमारी आ गई है, अपना बैठते हैं टैक्सी में। ये हमें सियोनी बस स्टैंड छोड़ेगा, सियोनी बस स्टैंड हमें छोड़ेगा ये, के ज़्यादा दूर है नहीं यहाँ से। ओके ब्रो लेट्स गो। बुजुम्बरा में क्या है, बुरुंडी में ना ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मतलब सिर्फ आपको टैक्सी मिलती है यहाँ पे, बसें वगैरह ट्रेन तो है ही नहीं यहाँ पे। और ये सिटी के अंदर जो है ऑटो वगैरह ये सब बैन कर रखा है गवर्नमेंट ने, मोटरसाइकिल वगैरह कुछ नहीं मिलता, सिर्फ आपको टैक्सी करनी पड़ती है अगर आपको 2 किलोमीटर भी जाना है तो, या तो आप वॉक कर सकते हो या फिर आपको टैक्सी हायर करनी पड़ेगी। सो ये कुछ ऐसा सीन है बुजुम्बरा का, जो मेन सिटी है यहाँ की। सो भाई ये देखो यहाँ पे स्केटिंग कर रहा है, हमारी गाड़ी के साथ चल रहा है बंदा एक्सपर्ट है भाई ये देखो भाई किस तरीके से, मतलब स्पीड में चल रही है गाड़ी 40 से 50 स्पीड पे, और ये बंदा लगा पड़ा है पकड़ के बिल्कुल गजब है भाई। यहाँ लोगों के पास टैलेंट तो है यार, ऐसा नहीं है, लोगों के पास टैलेंट है यहाँ पे। तो भाई आ चुके हैं सियोनी बस स्टैंड, देते हैं 5000। तो 5000 ने लिया है लगभग तीन किलोमीटर के समथिंग होगा। नो या असानते नो। तो देखते हैं यार कौन सी बस जाती है यहाँ से, बस देखते हैं हम। तो भाई बस हमारी आ चुकी है, मैं अभी जो हूँ बुजुम्बरा बस स्टैंड पे हूँ, जो बस देख रहे हो ना ये बस जाएगी, ये मुझे छोड़ेगी किगोमा बॉर्डर, जो बुरुंडी और तंजानिया का बॉर्डर है। तो देखते हैं यार शाम तक की जर्नी है इसके लगभग 7-8 घंटे की, फिर वहाँ देखते हैं जाके वहाँ से बस मिलती है नहीं मिलती है, नहीं तो स्टे करना पड़ेगा। तो अभी जस्ट ये रेडी हो गई है जाने के लिए, बैठते हैं इस पर और निकलते हैं फिर तंजानिया बुरुंडी बॉर्डर पर। सो गाइज अभी हमारे उस पर जो है बुरुंडी का एग्ज़िट और तंजानिया का एंट्री वीज़ा जो है स्टाम्प लग चुका है, आप देख सकते हो। सो अभी मैं तंजानिया में एंटर करने वाला हूँ। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये तंजानिया का जो है लैंड बॉर्डर है यहाँ पे, बुरुंडी और तंजानिया का। सो बुरुंडी का एग्ज़िट लग गया यहाँ पे और तंजानिया की एंट्री हो गई है। सो अभी बाय तंजानिया, क्योंकि मैं केन्या जाने वाला हूँ। सो अभी जस्ट ये हमें किगोमा छोड़ेगी, बस खड़ी हुई है हमारी, अभी वेट कर रहे हैं कुछ और लोगों का, फिर निकलेंगे हम किगोमा के लिए और वहाँ से बस पकड़ूंगा मैं आरुसा से नैरोबी के लिए केन्या। सो अब तक की जो जर्नी रही है बहुत स्मूथ रही है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, इन लोगों ने कुछ ज़्यादा पूछा नहीं है, बस चेक वगैरह किया टेम्परेचर वगैरह, और अपना टेम्परेचर चेक किया और वीज़ा दे दिया अपना तंजानिया का। बट यार यहाँ पे ना एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट है ना अफ्रीका का, मतलब कहीं कुछ जगह पे सही है बट कुछ जगह ना बहुत ज़्यादा स्लो है यार। हम सुबह चले थे लगभग 6 बजे बुरुंडी बुजुम्बरा से, और अभी लगभग 3 हो गया है, मतलब 200 किलोमीटर की डिस्टेंस थी और इन्होंने लगभग भाई 8 से 9 घंटे खा गए हैं। तो इतना मतलब ऐसा ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि यार रोडों की हालत बहुत ख़राब है ना यहाँ पे, रोड वगैरह बनी हुई नहीं है, कच्चे रास्ते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये बस भी बहुत काफ़ी जगह रोकते हुए आते हैं और ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आई थिंक 1 या 2 बस चलती है बुजुम्बरा से जो आपको बॉर्डर छोड़ती है तंजानिया के। तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत है यहाँ पर ट्रेवल करना, यही सबसे मेन प्रॉब्लम है, थक भी जाता है यार, बॉडी भी टायर्ड हो जाती है बैठे बैठे ना बस में। सो बट ऑप्शन नहीं होता दूसरा कोई, क्योंकि फ़्लाइटों के रेट जो है अफ्रीका में बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, तो इस वजह से बस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। सो यही जर्नी का पार्ट है,
बाकी दिखाते हैं आपको आगे आगे जैसे जाते हैं हम, कैसा हमारा जो है जर्नी ये रहती है। तीन कंट्री हम क्रॉस करेंगे। फर्स्ट बुरुंडी हमने क्रॉस कर लिया है, फिर हम तंजानिया में एंटर हो चुके हैं, फिर हम तंजानिया क्रॉस करेंगे, केन्या में एंटर करेंगे, उसके बाद हम केन्या क्रॉस करेंगे, इथोपिया में एंटर करेंगे। तीन दिनों में ना तीन कंट्री से हम पास होकर चौथी कंट्री में एंटर करेंगे। सो इसलिए काफ़ी लंबी जर्नी होने वाली है हमारी, और बाकी अब तक की जर्नी तो अच्छी रही है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। सो भाई अभी मैं आ चुका हूँ नैरोबी के बस स्टैंड पे। इसलिए हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी ना, मैं रात पहुँचा था आरूसा लगभग 11:30 बजे, मेरी बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई थी, और सुबह स्टार्ट किया था हमने आरूसा से लगभग 7 बजे, और यहाँ जो है आरूसा से नैरोबी की जो डिस्टेंस थी वो लगभग 7 घंटे का सफ़र था, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया था, 3 बजे के समथिंग छोड़ दिया था। तो अभी मैं बस का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं उस पकड़ूँगा नेक्स्ट इथोपिया के लिए। तो एक मोयाले बॉर्डर है इथोपिया और केन्या का, तो वहाँ के लिए बस जाएगी, फिर वहाँ से मुझे कोई लोकल बस पकड़नी पड़ेगी जिनका के लिए, क्योंकि मैं जो जा रहा हूँ अभी जिनका जा रहा हूँ इथोपिया में, जो वहाँ की सिटी है इथोपिया की। सो अब तक की जर्नी अच्छी रही है, केन्या का वीज़ा ऑलरेडी ले रखा था मैंने, और इजी प्रोसेस था यार, ये पहला एक्सपीरियंस है ना मेरा लैंड बॉर्डर क्रॉस करने का, और अब तक सारे अच्छा जा रहा है, स्मूथ जा रहा है काफ़ी लैंड बॉर्डर का जो मैं ले रहा हूँ। और ये मार्केट है कुछ ऐसी मेरे पीछे देख सकते हो, अभी मैंने टिकट वगैरह ले लिया, अभी यार देखता हूँ, कुछ खाया नहीं है सुबह से, मॉर्निंग से 2 दिन से ट्रेवल कर रहे हैं, तीसरा दिन है और कल तक ट्रेवल करेंगे, 4 दिन 4 कंट्री, तो बहुत ज़्यादा मतलब ये हैक्टिक ट्रेवल हो गया कहने का। तो बढ़िया है कि मज़ा आ रहा है, नए नए लोग मिलते हैं बसों में, नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, 4 कंट्री में ट्रेवल करना 4 दिन में, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो अभी देखते हैं खाने का कुछ, देखते हैं रेस्टोरेंट वगैरह मिलेगा इंडियन फूड में, फिर खाते हैं, फिर निकलते हैं, अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं इथोपिया के लिए। तो भाई अभी आ चुके हैं हम मोयाले बॉर्डर, नैरोबी से चले थे यार हम रात, आप मेरे पीछे जो देख रहे हो ना इसी बस में आए हैं, ठंड यार काफ़ी है यहाँ पे ना, जब हम चले थे तंजानी से तब भी ठंड थी, नैरोबी में कुछ ठीक था, तो अभी बॉर्डर पास में ही है वॉकिंग डिस्टेंस पे, बॉर्डर पे जा रहे हैं, वहाँ केन्या का एग्जिट स्टैम्प लगवाते हैं और इथोपिया का जो है एंट्री स्टैम्प लगवाते हैं। सो जर्नी थी ये बहुत अच्छी रही है, रात चले थे हम 7 बजे और सुबह इसमें छोड़ दिया हमें 7 बजे, 12 घंटे की जर्नी थी, और बस वगैरह भी अच्छी थी, दिन भी अच्छी से आ गई। तो अभी जा रहे हैं मोयाले बॉर्डर की तरफ, देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस एग्जिट और एंट्री का, और आप लोगों को दिखाते हैं फिर बाद में। तो अब भाई हमारा इमिग्रेशन हो चुका है केन्या बुरुंडी बॉर्डर पे, सॉरी केन्या और इथोपिया बॉर्डर पे, देख सकते हो स्टाम्प लग चुकी है, वीज़ा हमारा लग चुका है। तो भाई ये इथोपियन टेलीकॉम का ऑफिस है, तो यहाँ से मैंने ना सिम कार्ड लिया है, अभी मोयाले बॉर्डर क्रॉस करने के बाद सिम कार्ड जरूरी था, क्योंकि एंटर कर चुका हूँ मैं इथोपिया में, 4 दिन की जर्नी रही है, 4 दिन में 4 कंट्री मैंने जो है ना चौथी कंट्री है। तो हमने एंटर किया था भाई, हमने स्टार्ट की थी ये जर्नी बुरुंडी से, जो बुरुंडी की कैपिटल है बुजुम्बरा, वहाँ से मॉर्निंग से हमने बस पकड़ी थी, बस पकड़ के हम जो है किगोमा बॉर्डर आए थे, जो तंजानिया और बुरुंडी का बॉर्डर था, उसने हमें इवनिंग में ड्रॉप किया था, फिर वहाँ से मुझे आरूसा आना था, वहाँ से कोई बस नहीं थी, तो मैंने वहीं पर अपना लॉन्च लेके 1 दिन का स्टे किया नाइट का, सुबह में फिर हमने फिर जर्नी स्टार्ट की 5 बजे आरूसा के लिए, उस सुबह 5 बजे हमने किगोमा बॉर्डर से स्टार्ट किया था, जो कि तंजानिया की एक सिटी है आरूसा, उसने छोड़ा मैं 11 बजे, और मेरा मोबाइल वगैरह भी डिस्चार्ज हो गया था यार वहाँ पे, बट मैं पहले आरूसा में रुका था, एक होटल मुझे पता था, तो मैं डायरेक्ट चला गया था, और वहाँ पर नाइट में मैंने रेस्ट वगैरह किया, फिर क्योंकि नाइट में भी वहाँ से भी कोई बस नहीं थी, अफ्रीका के अंदर मोस्टली बसें ना सुबह में मॉर्निंग में स्टार्ट होती हैं, तो सुबह को हमने आरूसा से नैरोबी के लिए बस पकड़ी, जो कि कैपिटल है केन्या की, उसने भाई हमें छोड़ा इवनिंग में लगभग 5 बजे, फिर हम वहाँ से निकल लिए आपका इथोपिया की बस के लिए, इथोपिया और जो केन्या का बॉर्डर है वहाँ के लिए, तो मोयाले बॉर्डर लगता है, तो हमने वहाँ से बस पकड़ी थी इवनिंग में लगभग 7 बजे, वहाँ से स्टार्ट हुए थे केन्या से, और यहाँ मॉर्निंग में हम मोयाले बॉर्डर आ गए हैं, जो कि इथोपिया में हमने एंट्री ले ली है, स्टाम्प वगैरह वहाँ हो गया है। सो यार मैंने इस जर्नी में ना, ये मेरी चौथी कंट्री है, 3 कंट्री मैंने एग्जिट की है, और जो लैंड बॉर्डर का प्रोसेस था ना, ओके जो लैंड बॉर्डर का एक्सपीरियंस था ना मेरा, बहुत अच्छा रहा है अब तक, इजी प्रोसेस था, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई लैंड बॉर्डर पे, अभी हम इथोपिया के अंदर आ चुके हैं। सो अभी चलते हैं यार कोई होटल वगैरह में, आसपास देखूंगा सिटी में,
और वहाँ पे रेस्ट करूँ, काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। मौसम यहाँ थोड़ा ख़राब है यार, बारिश वगैरह हो रखी है। तो भाई ये है हमारी कॉफ़ी, इस तरीके से देते हैं यार ये कॉफ़ी। शुगर इसमें हल्की सी मैंने डलवा ली है, और बाकी एक छोटा सा ये आग जला देते हैं फ्रेगरेंस वगैरह के लिए, खुशबू वगैरह आती है उससे, महक मारती है। कॉफ़ी अच्छी है, की टेस्ट अच्छा है कॉफ़ी का, तो कॉफ़ी पीते हैं। बस मुझे मिल गई है, टिकट वगैरह ले लिया मैंने, कॉफ़ी पीते हैं और अपना फिर बैठते हैं बस में और स्टार्ट करते हैं जिंदा की जर्नी। तो भाई अभी रास्ते में जा रहे थे हम, पीछे जो देख रहे हो ना मेरे, वो मिनी बस आप कह सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ चेकिंग होती है, जितने भी पैसेंजर होते हैं उसको निकाल देते हैं और खाली करके बैग वगैरह चेक करते हैं अच्छे से। ये जगह जगह होता है यार ये ना, टाइम भी लगाते हैं, कहीं कहीं तो पूरे जो कपड़ों के बैग होते हैं ना बिल्कुल खाली कर देते हैं पुलिस वाले। सो एक तरीके से बॉर्डर चेकिंग होती है, अगर 4 घंटे की जर्नी है तो 6 घंटे की जर्नी हो जाती है, क्योंकि इस चेकिंग की वजह से बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी सारे देखो पैसेंजर यहाँ पे खड़े हो गए, गाड़ी जो है पीछे खड़ी है वो चेक कर रहे हैं पुलिस वाले उसे, जब तक वो चेक होंगे तब तक हम यहाँ वेट करेंगे, निकलेंगे। तो यार बॉर्डर से ये मिनी बस यहाँ से चलती है सिटी की तरफ, सिटी की तरफ मैं जा रहा हूँ, वहाँ कोई देखूंगा मैं होटल वगैरह, क्योंकि रेस्ट करना है। 4 दिन से लगातार मैं जर्नी कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा बॉडी भी ना थक चुकी है। सो देखते हैं अभी कुछ यहाँ मुझे मिला नहीं खाने का, तो एक कॉफ़ी यहाँ काफ़ी ज़्यादा फेमस है इथोपिया में, तो एक कॉफ़ी लिए मैंने और बस मैं अपना आ गया हूँ टिकट वगैरह लेके। अभी जाते हैं कोई सिटी की तरफ, वहाँ होटल लेते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं इथोपिया के ब्लॉग को। ये जो जर्नी थी काफ़ी ज़्यादा यार 4 दिन की थी, और काफ़ी ट्रेवल किया इस जर्नी में मैंने, और लगभग 4थी कंट्री में एंटर किया है, 4 दिन में 4थी कंट्री हमारी है। सो गाइज इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ तो भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।